हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मिमिक्री एंड इट्स टाइप। मिमिक्री क्या होती है, उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें। तो व्हेन ए परफेक्टली हार्मलेस एनिमल रिसेम्बल्स इन इट्स कलर एंड शेप विद ए वेल प्रोटेक्टेड स्पीसीज द फेनोमेनन इज कॉल्ड मिमिक्री। इट अकर व्हेन वन स्पीसीज रिसेम्बल्स अनदर फॉर इट्स ओन बेनिफिट। जब किसी जीव का दूसरों को धोखा देने के लिए या फिर अपनी सुरक्षा या फिर किसी अन्य लाभ, जैसे कोई दूसरा प्रीडेटर उस पर आक्रमण करने वाला है, तो उस बचने के लिए जब जीव के द्वारा किसी भी प्रकार की छदम आवेश किया जाता है या फिर कोई नेचुरल वस्तु के समान दिखाई देना है या फिर नकल करना है, वो क्या कहलाता है, मिमिक्री कहलाता है। द कंसेप्ट ऑफ मिमिक्री वाज फर्स्ट गिवन बाय S.W. बेट्स इन 1862। यूजुअली दोज स्पीसीज आर मिमिक विच आर पॉइजनस डिस्टेस्टफुल एंड हैव ए फ्यू नेचुरल एनिमीज। जिनके कुछ एनिमीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी सुरक्षा के लिए मिमिक्री करती हैं। सबसे ज़्यादा ये दिखाई देती है आपके पर्टिकुलरली अमंग बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। इट इज़ आल्सो फाइंड इन वेरियस बर्ड्स एंड सम मैमल्स। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स की बात करें तो इन टाइप्स हैं, प्रोटेक्टिव मिमिक्री है, अग्रेसिव बेट्सियन मिमिक्री, मुलेरियन मिमिक्री, ऑटो मिमिक्री और अदर टाइप्स की कुछ मिमिक्री हैं, जिसमें आपके सेक्स मिमिक्री है, कॉन्सिक्वेंस मिमिक्री है। ठीक है, तो ये कुछ मिमिक्री के टाइप हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटेक्टिव मिमिक्री, जो हम एक एक देख लेंगे सभी को। व्हेन द मिमिक्री, एक चीज़ में बताना भूल गया आपको, जो मिमिक्री करता है, जो किसी दूसरे की नकल करता है, उस जंतु को बोलते हैं मिमिक, और जिस चीज़ की वो नकल करता है उसे बोलते हैं हम मॉडल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पक्षी है, वो एक पत्थर की मिमिक्री कर रहा है, तो यहाँ पे पत्थर क्या हो गया, मॉडल, वो पक्षी क्या हो गया, मिमिक। तो ये याद रखना है मिमिक और मॉडल क्या होता है। व्हेन द मिमिक्री प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मिमिक, इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव मिमिक्री। जब उस खुद की सुरक्षा के लिए की जाती है तो उसे प्रोटेक्टिव मिमिक्री कहते हैं। ये दो टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्सीलिंग और वार्निंग मिमिक्री। कॉन्सीलिंग मिमिक्री में क्या होगा, कॉन्सीलिंग जिसे आप बोलते हैं धोखाधड़ी टाइप की मिमिक्री, इसमें जीव अपने वातावरण के इतना अधिक सेम हो जाता है कि इसे परभक्षी पहचान नहीं पाता है। जैसे आपके स्टिक इंसेक्ट है, फाइलियम है, लीप फिशेस हैं, ये अपने वातावरण के सेम हो जाते हैं, जिससे आपका प्रीडेटर इन्हें पहचान नहीं पाता है। वार्निंग मिमिक्री में क्या होता है, इसमें जीव है बेसैला हो जाएगा, डिस्टेस्टफुल हो जाएगा, जिसके कारण परभक्षी इसे नहीं खाता है। इसे हम अदर वर्ड में वेट्सियन मिमिक्री भी बोलते हैं। वेट्सियन मिमिक्री का अनदर नेम क्या है, वार्निंग मिमिक्री। तो इसका डायग्राम देखिए यहाँ पे, प्रोटेक्टिव मिमिक्री के दो टाइप, कॉन्सीलिंग मिमिक्री और वार्निंग मिमिक्री। कॉन्सीलिंग मिमिक्री ये लीफ इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट है, सेम इसने खुद को पत्ती जैसा शो कर रहा है, तो ये मिमिक्री होगी खुद को परभक्षी से बचाने के लिए। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं ये वार्निंग मिमिक्री है, जिसमें जीव है बेसैला कैसा हो जाता है, डिस्टेस्टफुल होने की ट्राई करता है। जैसे ये पॉइजनस कोरल स्नेक है, जबकि ये नॉन पॉइजनस कोरल स्नेक होता है, तो ये वार्निंग मिमिक्री है। ओके, अब आती है हमारी अगली, अग्रेसिव मिमिक्री। इट इज शोन बाय सर्टेन कार्निवोरस फॉर्म। इस ये मोस्टली किसके द्वारा, प्रीडेटर, परभक्षी होते हैं उनके द्वारा सूखी जाती है। दो ये इसके देखें तो इसमें क्या होगा, ए प्रीडेटर और पैरासिटिक स्पीसीज रिसेम्बल अदर नॉन थ्रेटनिंग स्पीसीज और ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू गेन द एक्सेस टू प्री और होस्ट। ये अपने आप को मिमिक्री के द्वारा नॉन हार्मलेस दिखाने की ट्राई करते हैं, एनवायरमेंट जैसी हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका फाइलोप्टेरिक्स सी ड्रैगन, ये खुद को यहाँ पे जो वेजिटेशन है उस जैसा दिखाने की ट्राई कर रहा है, जिससे कोई भी इसके प्रलोभन में फंस सकता है, क्योंकि नॉन हार्मलेस लग रहा है, तो इससे ये प्रीडेटर उसे किल कर देगा। तो कौन सी मिमिक्री हुई, ये हुई आपकी अग्रेसिव मिमिक्री। अगली हमारी बेट्सियन मिमिक्री। तो बेट्सियन मिमिक्री हमने पढ़ी है अभी, जिसमें जीव एक ऐसा हो जाता है विषैला या फिर बेस्वाद डिस्टेस्टफुल हो जाता है, जिसके कारण परभक्षी इसे नहीं खाता है, इसे बेट्सियन मिमिक्री कहते हैं। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है, एक वायसराय बटरफ्लाई है, तो मोनार्क बटरफ्लाई कैसी होती है, इनएडिबल होती है, खाने योग्य नहीं होती है। तो वायसराय बटरफ्लाई है, खुद की सुरक्षा के लिए ये कैसे ट्राई करेगी, ये नॉन एडिबल
दिखाने की ट्राई करती है, जिससे ये कोई भी प्रीडेटर ऐसे खाता नहीं है। तो यहाँ पे वायसराय बटरफ्लाई जो कि खाने योग्य है, वो मिमिक्री के द्वारा खुद को नॉन एडिबल ट्राई दिखाने की ट्राई कर रही है, जिससे प्रीडेटर उसे नहीं खाता है। तो ये बैट्सियन मिमिक्री है, जिसमें कोई जीव जो कि खाने में स्वादयुक्त है, लेकिन मिमिक्री के द्वारा वो खुद को बेस्वाद दिखाने की ट्राई कर रहा है ताकि प्रीडेटर उसे नहीं खा सके, तो इसे कहते हैं बैट्सियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री है अगला हमारा। मुलेरियन मिमिक्री अकर्स व्हेन टू और मोर डिस्टेस्टफुल और पॉइजनस ऑर्गेनिज्म रिसेम्बल ईच अदर। जब दो या दो से ज़्यादा बेस्वाद जातियाँ एक दूसरे के समान दिखाई देती हैं, उसे मुलेरियन मिमिक्री कहते हैं। ये दो जातियों के प्राणियों के द्वारा दिखाई जाती है ताकि वे बॉर्निंग अपनी जो इफेक्ट है उसे बढ़ा सके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुकू भी है और एक येलो जैकेट वॉस्प है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं और बेस्वाद दिखाने की ट्राई करते हैं, जिससे इनका प्रीडेटर इन्हें नहीं खा पाता। ऐसे भी मुलेरियन मिमिक्री कहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है मौथ, किटिनचिड मौथ है जो वॉस्प के समान दिखाई देता है। तो ये कैसा, एक तरह का प्रोटेक्टिव मिमिक्री है। मुलेरियन मिमिक्री कैसी है, प्रोटेक्टिव मिमिक्री है, जिसमें दो जातियां एक दूसरे को बेस्वाद दिखाने की ट्राई कर रही हैं ताकि प्रीडेटर उन्हें नहीं खा पाए। अब आते हैं हम ऑटो मिमिक्री पे। यह होती है विद इन ए सिंगल स्पीसीज वेयर एन एनिमल मिमिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स ओन बॉडी, जिसमें मिमिक है अपने कोई भी शरीर का एक अंग है उसके जरिए मिमिक्री करने की ट्राई करता है। जैसे पिग्मी ओल्स हैं, ये अपने ये क्या करने की ट्राई करते हैं, फॉल्स आई ऑन द बैक ऑफ देयर हेड, वो अपने शरीर के पिछले वाले हिस्से में फॉल्स आई मिमिक्री के द्वारा दिखाने की ट्राई करते हैं, जिससे प्रीडेटर को वहाँ पे उसे बेवकूफ बनाया जा सके। दूसरी है सम बटरफ्लाइज हैं, जैसे इसमें दो हेड आपको दिखाई दे रहे हैं, फॉल्स हेड है, विच मिसडायरेक्ट प्रीडेटर्स, कॉमन टेट बटरफ्लाई का नाम है। तो इसे ऑटो मिमिक्री कहते हैं, जिसमें आपका मिमिक है वो अपने शरीर के किसी एक हिस्से को रिपीट कर देता है या फिर उसका यूज करता है मिमिक्री के लिए ताकि प्रीडेटर को वहाँ पे मिसडायरेक्ट किया जा सके। अदर टाइप्स ऑफ मिमिक्री देखते हैं, सेक्सुअल मिमिक्री, व्हेन मेल और फीमेल ऑफ ए स्पीसीज मिमिक द अदर सेक, इट इज नोन एज सेक्सुअल मिमिक्री। इन यूरोपियन येलो टेल्ड मॉथ द मेल मिमिक द फीमेल टू गेन प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। यूरोपियन येलो टेल्ड मॉथ होता है जो कि खुद को फीमेल जैसा दिखाने की ट्राई करता है ताकि प्रीडेटर से वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल सके। कौन सी कुछ मिमिक्री है, इसे बोलते हैं आप सचेत अनुहरण हिंदी में, जिसमें जीव है अपने आप को परवक्षी से सुरक्षित करने के लिए मृत वस्तु के जैसा दिखता है या फिर मृत वस्तु जैसा हो जाता है। जैसे आपके ओपोसम है, अमेरिकन ओपोसम, जैसे इस पर अटैक किया जाता है तो ये मरे हुए जैसा दिखाई देता है। एग मिमिक्री, व्हेन एग ऑफ ए बर्ड आर सिमिलर इन साइज कलर एंड अपीयरेंस टू अदर बर्ड इज नोन एज एग मिमिक्री। जैसे एग ऑफ कुकू, एग ऑफ क्रो जैसे दिखने की ट्राई करते हैं मिमिक्री के द्वारा। हम बात करें कुछ कॉसेस क्यों होती है मिमिक्री, तो नेचुरल सिलेक्शन है अकॉर्डिंग टू बीजमान, नेचुरल सिलेक्शन इज द ओनली फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ मिमिक्री, ठीक है। दूसरा शार्प सडन म्यूटेशन, ये भी मिमिक्री को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्यू टू द डायरेक्ट सेक्शन अक्योर्ड अपॉन द ऑर्गेनिज्म बाई फूड मॉइस्चर और कोल्ड, ये भी मिमिक्री शो करवा सकते हैं। ड्यू टू फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स सच एज कलर सेंसेशन, ये भी मिमिक्री को करवा सकते हैं। सिग्निफिकेंस, इससे क्या होगा, सेल्फ डिफेंस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। जो मिमिक कर रहा है वो परवक्षी से खुद की सुरक्षा कर सकता है, एनिमीज से या फिर प्रीडेटर से खुद की सुरक्षा वहाँ पे वो प्राप्त कर सकता है। तो ये थे सिग्निफिकेंस और कुछ टाइप मिमिक्री के। आई होप गाइस यू विल गेट इट। एक बार वापस से वीडियो देख लेंगे तो आपको मिमिक्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स।